हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं मोबाइल लाइफ। आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी J1 ACE, इसके अंदर लगा हुआ जीमेल अकाउंट, इसे बाईपास कैसे करना है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम नेक्स्ट करते हैं। अगर आपके मोबाइल सिम कार्ड के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप ओके, नहीं तो आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल होना ज़रूरी है। मैं आपको ये मेथड बताऊंगा विदाउट PC आप इसे कैसे गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हैं। जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल को मोबाइल लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर लगा हुआ है जीमेल अकाउंट, तो सिंपली आप देख सकते हैं। ओके, हम मेन स्क्रीन पर चले जाते हैं। अब हम यहाँ पर हमें होम बटन 3 बार प्रेस करना है स्पीड में। वो ओके, 1 2 3, ये देखिए टॉल बैक अनेबल हो गया है। अब हमें एल शेप ट्राई करना है। ओके, इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। ओके, ये ट्यूटोरियल आ गया है। अब हमें एल, ओके, अब यहाँ पर टॉल बैक सेटिंग लिखा हुआ है, उस पर टैप करना है। डबल बार, टू टाइम स्पीड में टैप करना है। ओके, अब यहाँ पर 3 टाइम आप इस स्पीड में इसे टैप करना है। ओके, डिजेबल हो गया है टॉक बैक डिजेबल। ओके, अब स्क्रॉल डाउन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंटरनेट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें 2 फाइलें डाउनलोड करनी है, फर्स्ट गूगल अकाउंट मैनेजर और सेकंड क्विक शॉर्टकट मेकर। ओके, यहाँ पर हम सर सिंपली गूगल पे चले जाते हैं। ओके, मैं दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नो थैंक्स गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1 APK। ओके, यहाँ पर इसे मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे अब इसे डाउनलोड कर लेना है, 5.1। ओके, डाउनलोड APK। यहाँ पर लिखा हुआ है योर डाउनलोडिंग स्टार्ट। ओके, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, बुक मार्क में जाना है आपको। ओके, हिस्ट्री में जाना है, डाउनलोड में, डाउनलोड हिस्ट्री पे टैप करेंगे, आपको आपकी फाइल डाउनलोड की हुई नज़र आ जाएगी। अब हमें सेकंड फाइल डाउनलोड करनी है, जिसका नाम है क्विक शॉर्टकट मेकर। सिंपली हमें वापस गूगल पे जाना है और टाइप करना है क्विक शॉर्टकट मेकर, क्विक शॉर्टकट मेकर APK करना है। क्विक शॉर्टकट मेकर APK डाउनलोड। ओके, यहाँ पर फर्स्ट में आपके टैप कर लेते हैं। 2 फाइलें डाउनलोड करनी है, गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1 एंड क्विक शॉर्टकट मेकर। इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। स्टार्टिंग डाउनलोड हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम वापस बुक मार्क में जाएंगे, डाउनलोड हिस्ट्री। ओके, ये 2 फाइलें डाउनलोड हो गई है, पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं हम गूगल अकाउंट मैनेजर को। ओके, इंस्टॉल एक्सेप्ट। डन, क्विक शॉर्टकट मेकर। ओके, इंस्टॉल। ये 2 फाइलें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सर्च करना है गूगल
गूगल अकाउंट मैनेजर, ओके। यहाँ पर जैसे टैप करेंगे इसके अंदर और भी ऑप्शन आएंगे, योर नेम, नीचे की योर फोटो, उसके अलावा टाइप ईमेल एंड पासवर्ड जहाँ पर लिखा हुआ है उस पर हमें टैप करना है, ओके। और यहाँ पर हमें ट्राई पे टैप करना है, और यहाँ पर थ्री डॉट है वहाँ पर हमें टैप करना है, ब्राउज़र साइन इन पे टैप करना है, ओके। अब यहाँ पर आप कोई भी अपना ईमेल आईडी एंटर कर लीजिए। यहाँ पर आपका आईडी साइन इन होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर लेना है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मोबाइल लाइफ को, ओके। अब हमें यहाँ पर वेट करना है। मैं आपको सिंपली आपको फर्स्ट से क्या क्या करना है स्टेप इतने टाइम में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे गूगल अकाउंट पूछता है तब अपना आईडी आपको मालूम है, तब आईडी और पासवर्ड इंटर करें, और फिर नहीं मालूम है तो इस मेथड को फॉलो करें। थ्री टाइम टैप करना है, टॉक बैक को अनेबल करना है, वहाँ पर फिर एल शेप टाइप करना है। एल शेप पे जाने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने आपको बताया उसे फॉलो करना है, ओके। बताया उसे फॉलो करना है, फिर वहाँ पर आपको दोनों में से कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट करना है, क्रोम या फिर सॉरी आपको वहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको टर्म्स एंड पॉलिसी पे टैप करना है, थ्री टाइम वहाँ पर होम टैप टैप कर देना है, जैसे डिजेबल हो जाएगा टॉकबैक, फिर वहाँ से आपको टर्म्स एंड पॉलिसी पे टैप करना है। टैप करने के बाद कोई भी आपको एक ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है, ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद इंटरनेट क्रोम या फिर उसके बाद आपको गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1 उसे डाउनलोड कर लेना है, और गूगल शॉर्टकट मैनेजर क्विक शॉर्टकट, फर्स्ट में गूगल अकाउंट मैनेजर का आपको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है, और फिर वहाँ पर आपको क्विक शॉर्टकट मेकर ओपन कर लेनी है, फिर टाइप पासवर्ड एंड ईमेल पर टैप करना है, फिर वहाँ पर आपको कोई भी एक अनदर अकाउंट ईमेल आईडी कोई भी आपको सेलेक्ट करके साइन इन कर लेनी है, और फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं करना, और आपको सिंपली आपका मोबाइल रिस्टार्ट कर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।